नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील गोस्वामी, और जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस का इंतज़ार कर रहे थे, कांस्टेबल जो एग्ज़ाम होने वाला है, उनका सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है, 50 पेज का ये टोटल नोटिफिकेशन है। क्या क्या किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है, क्या क्या सिलेबस आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितनी एज लिमिट होगी, क्या क्या सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। यहाँ तक भी दिया हुआ कि फॉर्म जो किस प्रकार से फिल करना है, यदि रिटायर्ड जो कोई भी है तो वो किस प्रकार से करेगा, वो सारी बातें इसमें हम देखने वाले हैं। क्लियर है? और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी बातें भी हम करेंगे। और आपको लास्ट में जो है व्हाट्सएप का जो ग्रुप का लिंक भी मैं आपको दूंगा, जहां मैं आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में सभी सब्जेक्ट के, चाहे हम जीएस की बात करें, चाहे हम करंट अफेयर की, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश तो अब आता नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे जो आवेदन है, और कब तक जो लास्ट डेट क्या होगी, और एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है? तो ये देखिए ऑफिशियल, जो आप सब जानते हैं कि दिल्ली का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी कंडक्ट करवाता है। कौन करवाता है? एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है? तो ये मंत्रालय की जो डिटेल दी हुई है। और अब नोटिफिकेशन पे आते हैं। यहाँ पे ये देखिए डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है स्टार्ट होगा, जो वो है 1 तारीख से, मतलब आज से ही जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? और कब तक चलेगा? 7/9/2020 तक, मतलब लास्ट डेट जो है 7/9/2020 है, 1/8/2020। ठीक है? लास्ट डेट आप देख सकते हैं। और जो है फीस के लिए जो है 9/9/2020 है। क्लियर है? लास्ट डेट टाइम जनरेशन ऑफलाइन चलान, मतलब कुछ बच्चे ऑफलाइन के वाले हैं तो उनके लिए क्या है, 11/9/2020 है। ये सारी चीज़ें दी हुई है। बैंक के माध्यम से 14 तक जो है आप करवा सकते हैं, वर्किंग हावर्स ऑफ बैंक। और जो एग्ज़ाम की जो डेट है, सीधी सी हम बात करें तो 27/11/2020 से स्टार्ट होंगे, और 14/12/2020 तक जो है एग्ज़ाम इसके चलने वाले हैं। ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन किस बिहाफ पे होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले CBT होगा, जो टेस्ट होगा इसका कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होगा। और इसके अंदर जो सारी बातें जो हैं, दिल्ली जो SSC कंडक्ट कराएगा इन सभी के एग्ज़ाम को। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट है इसके अंदर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और मेडिकल भी है इसमें। ठीक है? ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। पे स्केल आप इसका देख सकते हैं, पे स्केल जो Level 3 21,700 से 69,100 तक है। ठीक है? वैकेंसीज़ की डिटेल की हम बात कर लेते हैं। देखिए टोटल जो है अलग अलग है, जनरल, EWS, OBC, SC, टोटल इसमें हम बात करें जो है, जो मेल के लिए है 3433 हैं। फिर हम इसमें एक्स सर्विस मैन और इनकी जो अलग से होती हैं वो 226 हैं। ऐसे ही जो पैरा जो इसके अंदर जो आते हैं एक्स सर्विस मैन में, इसमें 243 हैं। ठीक है? टोटल वैकेंसी आप सबको पता है कि 5,846, मतलब 5,850 के लगभग हम मान के चलें तो टोटल इतनी वैकेंसी हैं। फीमेल जो कॉन्स्टेबल हैं जो कितनी हैं, 1944 वैकेंसी हैं, अलग अलग दी हुई हैं, EWS की कितनी है, OBC कितनी है। ये सारा नोटिफिकेशन आपको मैं दे दूंगा PDF के रूप में, तो आप डाउनलोड करके इसको देख लेना। ठीक है? 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विस मैन, वो सारी कैटेगरी इसमें शामिल होती है, कोटा मतलब 10% इसके अंदर। ठीक है? SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की है, स्पोर्ट्समैन के लिए 5 साल की है। ये सारी एज लिमिट इसमें दी हुई है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट हो दिल्ली पुलिस जनरल 40, ये सारी आप देख लेना इसमें, OBC SC ST दी हुई है। क्लियर है? हाँ। तो अब हम आ जाते हैं जो इसके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, वो सारी बातें। जो क्वालिफिकेशन की हम बात करें, इसमें आप देख लो +2 है आपके जो है, +2 की जो भी किसी भी बोर्ड से की हुई आपने हो, चाहे भिवानी बोर्ड से की हो, CBSE से की हो, चाहे दिल्ली बोर्ड से, किसी से भी की हो, वो सारी चीज़ें आप इसमें दे रखी हैं। NCC जो C सर्टिफिकेट है उसके 5% मैक्सिमम मार्क्स, और B के जो हैं 3%, और A के जो हैं 2% मार्क्स
इसमें जो है एनसीसी के लिए दिए जाएंगे। अप्लाई आप इस पे जाके कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। फीस 100 रुपये है, समझ गए। चलिए, ये जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं कहाँ कहाँ, जैसे भागलपुर जो ये हम बात करें, बरेली, झांसी, ये सारे यूपी के हैं जो सेंट्रल रीजन में आते हैं, और ईस्टर्न रीजन के जैसे रांची हो गया, भुवनेश्वर, ये कटक, गंगटोक, ये हो गया। फिर केरला जो केकेआर रीजन है, इसमें बेंगलुरु, हुबली, ये सारे हो गए। और फिर मध्य प्रदेश वाला बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, ये हो गए। नॉर्थ ईस्टर्न में ईटानगर, डिब्रूगढ़, ये वाले। और दिल्ली नॉर्थ रीजन NR के अंदर हम, ये हो गया दिल्ली, हो गया अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, राजस्थान के जितने भी सेंटर दिए हुए हैं, जो भी आपको नज़दीक पड़े, आप चंडीगढ़ भरना चाहें, नॉर्थ वेस्टर्न, अब इनमें थोड़ा जो है आपके अनुसार देखना आप किस प्रकार से। अमृतसर भी है, जलंधर है, पटियाला है, जम्मू है, शिमला है, जहाँ भी आप भरना चाहें, ठीक है। तो ये सारे देख लेना कौन से में आपको सूटेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 90 मिनट है, मतलब 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, तो भी यहाँ करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। 25 से 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के इसमें आने वाले हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, 50 नंबर का आता है। रीजनिंग 25, आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं, ईजी आती है रीजनिंग। मैथ्स की बात करें तो ये सिर्फ 15 नंबर का आता है, और अब की बार हम बात करें कंप्यूटर की तो ये इसमें 10 नंबर का है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर इन्होंने देखा कि MS Excel, MS Word, कम्युनिकेशन इंटरनेट, जो भी वेब ब्राउज़र, जितनी भी बातें हैं कंप्यूटर की, वो हमें करना तो सारा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इनका सिलेबस है। नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर होगा, वही 1/4, सारी चीज़ें आप इसमें देख लें, ठीक है। और करंट अफेयर हो गया, इसमें करंट अफेयर के अंदर को सारी भी चीज़ें हैं, और हम GS में बातें, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जर्नल, सारी बातें। रीजनिंग वही SSC वाली रीजनिंग है, सेम टू सेम। मैथ्स की बात करें तो इसके अंदर नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन जो है, अर्थमेटिक का ज़्यादातर इसमें जो है अर्थमेटिक ही आता है, वैसे मेंशुरेशन दिया हुआ है, लेकिन अर्थमेटिक, यदि आप अर्थमेटिक करते हैं तो भी इसमें 10 से 12 नंबर आपके आ जाएंगे। टाइम डिस्टेंस रेशो, टाइम एंड वर्क, बहुत इजी है। ये कंप्यूटर का सिलेबस दिया हुआ है, MS Excel, वेब ब्राउज़र, WW, ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें, समझ आ गया आपको, ठीक है। अब फिजिकल के अंदर जो है ये दिया है, 30 साल अप टू 30 ईयर, 6 मिनट, 1600 मीटर की रेस है इसमें। लॉन्ग जंप 14 फिट है, हाई जंप 3-9 है। 30 से 40 के 7 मिनट, 13 फिट, और अबो 40 8 मिनट, 12 फिट, ये सारे फिजिकली जो मेजरमेंट है वो। हाइट है वो मिनिमम 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी जो छूट मिलती रहती है, जो SC ST जितने भी जो भी चीज़ें हैं वो आप इसमें देख सकते हैं, क्लियर है। तो ये पूरा आप इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से तैयारी करनी, ठीक है। अब मेन चीज़ तो है आपका GS, क्योंकि 50 मार्क्स का है। GS कितने मार्क्स का है? 50 नंबर का, ठीक है, 50 नंबर का। तो इसमें से यदि 35 प्लस स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होता है, क्योंकि मेरिट है वो काफ़ी हाई जाती है। तो आपको जो तैयारी है बड़े अच्छे तरीके से, सूटेबल तरीके से 5-7 घंटे पढ़ के अपने को अच्छे तरीके से करनी है। मैथ्स भी ज़्यादा नहीं है, इंग्लिश तो है ही नहीं, तो एग्ज़ाम तो बड़ा ईजिली क्रैक कर सकते हो आप, ठीक है। तो GS के अंदर आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। यदि मैं बात करूँ जो जनरल स्टडी की बात करूँ, जैसे हम GK की बात करते हैं, तो इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लूसेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है, लूसेंट से भी। और ज़्यादातर इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम, जितने भी जैसे अभी CGL के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, चाहे वो LDC के एग्ज़ाम हुए हैं, उनकी आप बड़े अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उनके सारा जो मटेरियल है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे वो घटना चक्कर के माध्यम से आते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन छापते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो वो रेगुलर में मंथली PDF हैंड रिटन नोट्स होंगे, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में लूसेंट की बुक भी अच्छी है, और या फिर परीक्षा मंथन आती है तो मैं उसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। रीजनिंग कम्प्लीटली करवा दूंगा, ठीक है। तो मैथ्स अर्थमेटिक है वो भी हो जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे,
तो आप जुड़ना चाहें तो नोटिफिकेशन जो है लिंक है व्हाट्सएप का, मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट शेयर करेगा और मेरे व्हाट्सएप का जो नंबर है उस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर की बात करूँ 9728714677, ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं लिंक दे दूंगा, इस पर आप ज़्यादा मैसेज ना करें, लेकिन दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्लियर है, तो सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर @goswamisir आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको जो है मेरा ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी से भी जुड़ सकते हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं जिसमें कट ऑफ और हम ज़्यादा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट एग्ज़ाम में, किस पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, किस प्रकार से हमारा टारगेट रहेगा, सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और स्टैटिक जीके के लिए प्लेलिस्ट में जाए, 10 लेसन डाल चुका हूँ, 10 हमने स्टेट को कवर किया है, तो वो पढ़ लें कंप्लीट, 28 के 28 में वहाँ कर दूँगा, ठीक है। कंप्यूटर की भी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ भी 500 क्वेश्चन की, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।